Hey everyone, I'm Professor N. B. Chatte. Welcomes you all in the 24th lecture of Industrial AC Machine subject. So, my dear students, we have discussed the types of rotor in the last lecture, right? So, there are two types of the rotors in alternator, three-phase alternator. First one is the salient pole type rotor and second one is the cylindrical type rotor. So then we have discussed about the comparison between salient pole type and smooth cylindrical type rotor. These are the differences, right? So now in today's lecture we are going to discuss about the advantages of rotating field construction over rotating armature construction. So my dear students, I have already told you that in the very first lecture of the three phase alternator that there are two types of the alternator depending upon the construction. First one is the revolving field type construction and second one is the revolving armature type construction, right? So what is revolving field type construction? The definition is like that, okay? Then field winding is placed on the rotor and armature winding is placed on the stator, then that type of construction is called as a revolving field type construction. And how we will define the revolving armature type construction then? The definition is like this. If the armature winding is placed on the rotor and field winding is placed on the stator, then that type of construction is called as revolving armature type construction. Okay? तो ये मैंने डिफरेंस आपको ऑलरेडी बताया है कि रिवॉल्विंग फील्ड टाइप कंस्ट्रक्शन और रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है? उसके डेफिनेशन ऑलरेडी देखे हैं हमने, तो उसके ही यहाँ पे एडवांटेजेस देखे हैं हमने, ठीक है? तो ध्यान में रखो कि रिवॉल्विंग फील्ड यानी आपको फील्ड वाइंडिंग रोटर पे प्लेस करनी है और आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे प्लेस करनी है, और रिवॉल्विंग आर्मेचर में आपको आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे प्लेस करनी है और फील्ड वाइंडिंग आपको स्टेटर पे प्लेस करनी है। लेकिन उसमें से ज्यादातर जो अल्टरनेटर्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो होते हैं आपके रिवॉल्विंग फील्ड टाइप के, रिवॉल्विंग फील्ड टाइप कंस्ट्रक्शन के अल्टरनेटर, ठीक है? तो उसकी वजह से उसके ही कुछ एडवांटेजेस देखने हैं हमें यहाँ पर। तो फर्स्ट एडवांटेज है आपका, एडवांटेजेस ऑफ रोटेटिंग फील्ड एज एवरीवेयर ए सी इज यूज्ड। वी नो दैट हम हर तरफ एसी यूज करते हैं, एसी सप्लाई यूज करते हैं, सो द जनरेशन लेवल ऑफ एसी वोल्टेज मे बी हाइयर एज 11 केवी टू 33 केवी। तो जनरेशन लेवल जो है एसी वोल्टेज का वो हाइयर होता है। वी नो दैट इन जनरेटिंग पावर प्लांट्स वी आर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी हाई वोल्टेजेस, दैट इज अबाउट 11 केवी टू 33 केवी, राइट? सो दिस गेट्स इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर, दिस that much of voltage gets induced in the armature. इतना voltage armature में आपके induce होता है 11 kV to 33 kV, ठीक है? So for stationary armature, large space can be provided to accommodate large number of conductors and the insulation. So stationary armature के लिए आपको वहाँ पे large space provide करना होता है ताकि आपकी जो large number of conductors and insulations है उसको वो accommodate कर सके, ठीक है? तो ये है आपका फर्स्ट एडवांटेज, समझ में आया? पहला एडवांटेज काय सांगितलं मी, हियर आपल्याला माहिती आहे एव्हरीवेअर आपण एसी सप्लाय यूज करतो आणि जे जनरेशन लेवल असतं एसी व्होल्टेजचं ते अतिशय हाय असतं, म्हणजे आपण 11 केव्ही टू 33 केव्ही पर्यंत इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग पॉवर प्लांट मध्ये जनरेट करत असतो, त्यामुळे तेवढं व्होल्टेज आपल्या आर्मेचर मध्ये इंड्यूस होत असतं आणि त्यामुळं स्टेशनरी आर्मेचर साठी आपल्याला तिथं लार्ज स्पेस प्रोव्हाइड करायला लागतो, जेणेकरून तिथं आपल्याला लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टर्स आणि इन्सुलेशन तिथं अकोमोडेट करता येते, ठीक आहे? सो दिस इज द फर्स्ट ऍडव्हान्टेज। सेकंड ऍडव्हान्टेज है, इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रोटेक्ट हाय व्होल्टेज वाइंडिंग फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कॉज ड्यू टू द रोटेशन। यहाँ पे क्या करना होता है, इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रोटेक्ट हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करना ऑलवेज बेटर होता है फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से कॉज ड्यू टू द रोटेशन। रोटेशन की वजह से वहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो होते हैं
उससे हाई वोल्टेज वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करना ऑलवेज बेटर होता है। सो हाई वोल्टेज आर्मेचर इज जनरली केप्ट स्टेशनरी, तो उसकी वजह से हाई वोल्टेज आर्मेचर जो होता है वो जनरली आपको स्टेशनरी रखना होता है। सो दिस अवॉइड द इंटरेक्शन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे इस उससे क्या होता है, अपना जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस में इंटरेक्शन होता है वो अवॉइड किया जाता है। तो ये है आपका सेकंड एडवांटेज। ठीक है, क्या सांगितलं सेकंड एडवांटेज, कि आपल्याला हाय वोल्टेज वाइंडिंग सेंट्रिफ्युगल फोर्सेस पासून प्रोटेक्ट करणं बेटर असतं। ठीक आहे, आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्सेस कशामुळे कॉज होतात, कशामुळे तयार होतात, इथं ड्यू टू दी रोटेशन मुळे। ठीक आहे, त्यामुळं सेंट्रिफ्युगल जे सेंट्रिफ्युगल फोर्सेस जे रोटेशन पासून तयार होतात त्याला, त्याच्यापासून हाय वोल्टेज वाइंडिंगला प्रोटेक्ट करणं आपल्याला कधीही बेटर असतं। आणि जे हाय वोल्टेज आर्मेचर असतं ते जनरली आपल्याला स्टेशनरी ठेवायचं असतं, जेणेकरून जे इंटरॅक्शन होतं आहे मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेसमध्ये ते आपल्याला तिथं अवॉइड करता येईल। सो दिस इज द सेकंड ॲडव्हान्टेज। थर्ड ॲडव्हान्टेज आहे, इट इज इझियर टू कलेक्ट लार्जर करंट्स ॲट अ व्हेरी हाय वोल्टेज फ्रॉम अ स्टेशनरी मेंबर दॅन फ्रॉम दी स्लिप रिंग अँड ब्रश असेंबली। यहाँ पे जो लार्जर करंट्स जो होते हैं ऍट हायर वोल्टेज वोल्टेज पे फ्रॉम अ स्टेशनरी मेंबर से, उनको कलेक्ट करना इजियर होता है फ्रॉम द स्लिप रिंग एंड ब्रश असेंबली देन फ्रॉम द स्लिप रिंग एंड ब्रश असेंबली। स्लिप रिंग एंड ब्रश असेंबली से बेहतर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टेशनरी मेंबर से जो लार्जर करंट्स प्रोड्यूस होते हैं वेरी हाई वोल्टेज पे उनको कलेक्ट करना इजियर जाता है हमें यहाँ पे। ठीक है, देन द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू द फील्ड इज वेरी लो। जो वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं फील्ड को वो बहुत ही लो होता है। और कितना वोल्टेज देते हैं फील्ड वाइंडिंग को अपन, यहाँ पे 110 वोल्ट टू 220 वोल्ट डीसी देते हैं। तो हम एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देते हैं उसको, हम ऑलरेडी मैंने बोला है उसको एक्साइटर बोलते हैं। ठीक है, एक्साइटर थ्रू हम फील्ड वाइंडिंग को यहाँ पे सप्लाई देते हैं। और एक्साइटर कितना सप्लाई दे रहे हैं, एक्साइटर थ्रू हम फील्ड वाइंडिंग को कितना सप्लाई देते हैं, 110 वोल्ट टू 220 वोल्ट एंड हेंस कैन बी इजीली सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग एंड ब्रश असेंबली। तो एक्साइटर में वहाँ पे स्लिप रिंग एंड ब्रश असेंबली होती है, तो उससे हम इजीली इतना जो वोल्टेज है वो फील्ड वाइंडिंग को दे सकते हैं बाय कीपिंग इट रोटेटिंग। ठीक है, उसको रोटेट करते हुए हम उतना सप्लाई वहाँ पे दे सकते हैं। क्लियर है, तो ये है थर्ड एडवांटेज, समझ लो। थर्ड एडवांटेज का सांगितलं कि इट इज इजियर टू कलेक्ट लार्जर करंट्स। लार्जर करंट्स जे ॲट व्हेरी हाय वोल्टेजला प्रोड्यूस होत असतात, ठीक आहे, स्टेशनरी मेंबरकडून, त्याच्यापेक्षा लार्जर करंट जे हाय वोल्टेजला प्रोड्यूस होत असतात स्टेशनरी मेंबरकडून, त्यांना कलेक्ट करणं इझियर असतं दॅन फ्रॉम दी स्लिप रिंग अँड ब्रश असेंबली। ते स्लिप रिंग आणि ब्रश असेंबलीकडून लार्जर करंट येतात, त्यांना आपल्याला कलेक्ट करणं इझी नसतं। ठीक आहे, पण आपल्याला स्टेशनरी मेंबरकडून हायर वोल्टेजला जे लार्जर करंट्स तिथं प्रोड्यूस केले जातात त्यांना कलेक्ट करणं इझी असतं। ठीक आहे, त्यामुळं जे वोल्टेज जे रिक्वायर्ड असतं आपल्या फील्डला ते अतिशय लो असतं। आपल्याला माहिती आहे 110 ते 220 वोल्ट डीसी सप्लाय देतो आपण एक्सायटर थ्रू फील्ड वाइंडिंग, आणि त्यामुळं आपण इझिली तेवढं वोल्टेज सप्लाय करू शकतो कशाच्या साह्यानं, स्लिप रिंग आणि ब्रश असेंब्लीच्या साह्यानं आपण ते फील्ड वाइंडिंगला एवढं वोल्टेज तिथं सप्लाय करू शकतो बाय कीपिंग इट रोटेटिंग। आपल्याला फील्ड वाइंडिंग तिथं रोटेट ठेवता येते आणि आपल्याला तेवढं वोल्टेज तिथं देता येतं। तर हा आहे तिसरा ॲडव्हान्टेज। फोर्थ ॲडव्हान्टेज आहे, द प्रॉब्लेम ऑफ स्पार्किंग ॲट दी स्लिप रिंग्स कॅन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग फील्ड रोटेटिंग। जो स्पार्किंग होती है आपके स्लिप रिंग्स पे उनको हम अवॉइड कर सकते हैं आपकी फील्ड रोटेट रख के, सो विच इज लो वोल्टेज सर्किट, और वो आपका लो वोल्टेज सर्किट होता है एंड हाई वोल्टेज आर्मेचर एज अ स्टेशनरी, हाई वोल्टेज आर्मेचर आपका स्टेशनरी रहता है। ठीक है, तो ये एक उसका चौथा एडवांटेज है। काय सांगितलं की जो प्रॉब्लेम आहे स्पार्किंगचा स्लिप रिंग्स वरती तो आपण इझिली अवॉइड करू शकतो तिथली फील्ड रोटेट ठेवून, जे की आपलं लो वोल्टेज सर्किट असणार आहे आणि हाय वोल्टेज आर्मेचर आपण इथं काय ठेवणार आहे, स्टेशनरी। क्लिअर आहे, हे आपलं फोर्थ ॲडव्हान्टेज।
देन फिफ्थ ऍडव्हान्टेज आहे ड्यू टू दी लो वोल्टेज लेवल ऑन दी फील्ड साइड. आपल्याला माहिती आहे लो वोल्टेज आहे इथं फील्ड साइड वरती, त्यामुळे द इन्सुलेशन रिक्वायर्ड इज लेस. इन्सुलेशन कसं लागणार आहे आपल्याला, लेस लागणार आहे, अँड हेन्स फील्ड सिस्टीम हॅज अ व्हेरी लो इनर्शिया. त्यामुळे फील्ड सिस्टीमचा इनर्शिया कसं असणार आहे, इथं लो असणार आहे. अँड इट इज ऑलवेज बेटर टू रोटेट लो इनर्शिया सिस्टीम दॅन हाय इनर्शिया. कारण आपल्याला माहित आहे लो इनर्शिया सिस्टीमला रोटेट करणं हाय इनर्शियापेक्षा ऑलवेज बेटर असतं, ऍज एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू रोटेट लो इनर्शिया सिस्टीम आर ऑलवेज लेस. कारण जे एफर्ट्स लागतात लो इनर्शिया सिस्टीमला रोटेट करण्यासाठी ते कमी लागतात. ठीक आहे, हा आहे आपला पाचवा ऍडव्हान्टेज. काय बोला म्हणजे फिफ्थ ऍडव्हान्टेज, लो वोल्टेज लेवल जो होता है फील्ड साइड पे, उसकी वजह से हमें जो इंसुलेशन लगता है यहाँ पे वो लेस लगता है, और जो फील्ड सिस्टम है आपकी उसका इनर्शिया कैसा है यहाँ पे, वेरी लो होता है. और हमें मालूम है कि इट इज ऑलवेज बेटर टू रोटेट दी लो इनर्शिया सिस्टम. यहाँ पे आपको लो इनर्शिया सिस्टम को रोटेट करना ऑलवेज बेटर होता है हाई इनर्शिया से, क्योंकि जो एफर्ट्स लगते हैं लो इनर्शिया सिस्टम को रोटेट करने के लिए वो कम लगते हैं. ठीक है, तो ये है आपका फिफ्थ एडवांटेज. देन सिक्स एडवांटेज है रोटेटिंग फील्ड मेक्स द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन वेरी सिंपल. रोटेटिंग फील्ड की वजह से आपका जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल बन जाता है. विथ सिंपल रोबोस्ट मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन एंड लो इनर्शिया ऑफ द रोटर. और यहाँ पे आपका सिंपल रोबोस्ट मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन की वजह से आए लो इनर्शिया जो होता है रोटर की वजह से, इट कैन बी ड्रिवन एट हाई स्पीड. आप उसको हाई स्पीड पे भी उसको ड्रिवन कर सकते हो, यानी उसको रोटेट कर सकते हो. सो ग्रेटर आउटपुट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन अल्टरनेटर ऑफ द गिवन साइड. तो हमें वहां पे ग्रेटर आउटपुट मिलता है, ऑब्टेन होता है अल्टरनेटर से गिवन साइज से. ठीक है, तो ये है आपका सिक्स एडवांटेज. तो मतलब रोटेटिंग फील्ड मुळे ओव्हरऑल कंस्ट्रक्शन तिथं अतिशय सिंपल होतं, आणि या सिंपल कंस्ट्रक्शन मुळे सिंपल रोबोस्ट मेकॅनिकल कन्स्ट्रक्शन मुळे आणि तिथल्या रोटरच्या लो इनर्शियामुळे आपण त्याला अतिशय हाय स्पीड वरती सुद्धा त्याला ड्रिव्हन करू शकतो, रोटेट करू शकतो. त्यामुळं आपल्याला अल्टरनेटर पासून गिव्हन साईजच्या अल्टरनेटर पासून आपल्याला तिथं जास्त आउटपुट, ग्रेटर आउटपुट तिथं ऑप्टेन करता येतं. हा सहावा ऍडव्हान्टेज आहे. सेवन्थ ऍडव्हान्टेज है इफ द फील्ड इज रोटेटिंग. जेव्हा आपली फील्ड रोटेटिंग असते तो एक्साइटेड बी एक्सटर्नल डीसी सप्लाय टू स्लिप रिंग्स आर इन. आता फील्ड इथं रोटेटिंग असल्यामुळे त्या फील्डला एक्साइट करण्यासाठी जो एक्सटर्नल डीसी सप्लाय लागतो आपल्याला, त्यामध्ये फक्त दोनच स्लिप रिंग इनफ आहेत. ठीक आहे, सो वन्स इच फॉर पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह टर्मिनल. आणि त्यामध्ये एक स्लिप रिंग आपण पॉझिटिव्ह आणि एक स्लिप रिंग निगेटिव्हसाठी घेऊ शकतो. सो ॲज अगेन्स्ट दिस इन थ्री फेज रोटेटिंग आर्मेचर, आणि याच्या विरुद्ध जे थ्री फेज आर्मेचर रोटेटिंग आर्मेचर असतं, द मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप रिंग रिक्वायर्ड आर 3. तिथं आपल्याला ज्या मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप रिंग लागतात त्या किती लागतात, 3 लागतात. अँड कॅनॉट बी इझिली इन्सुलेटेड, आणि ते आपल्याला इन्सुलेट सुद्धा इझिली करता येत नाही, कारण ड्यू टू दी हाय वोल्टेज लेवल. तिथलं हाय वोल्टेज लेवल असते, त्यामुळे आपल्याला तिथल्या स्लिप रिंगला इझिली इन्सुलेट करता येत नाही. क्लिअर आहे, हे आहे आपलं सेवन्थ ऍडव्हान्टेज. देन एट ऍडव्हान्टेज आहे द व्हेंटिलेशन अरेंजमेंट फॉर हाय वोल्टेज साइड कॅन बी इम्प्रूव्ह इफ इट इज केप स्टेशनरी. जो व्हेंटिलेशन अरेंजमेंट है हाई वोल्टेज साइड के लिए वो इम्प्रूव किया जाता है जब हम उसको स्टेशनरी रखते हैं. ये है आपका एट. माय डियर स्टूडेंट, द क्वेश्चन माइट बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन लाइक दैट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोटेटिंग फील्ड कंस्ट्रक्शन ओवर द रोटेटिंग आर्मेचर कंस्ट्रक्शन फॉर 4 मार्क्स. क्लियर, सो यू मस्ट नो ऑल दीज एडवांटेजेस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन इम्पॉर्टंट, दॅट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ. राईट, सो जो फ्रिक्वेन्सी होती है इंड्यूस ईएमएफ की वो कितनी होती है यहाँ पे वो देखना है. सो थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्लिप, देन हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला देखा था, एनएस इज इक्वल टू 120 f/p, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अलग तरीके से लिखना है. यानी वही उसी फॉर्मूले से हमें
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। वहां पे सिंक्रोनस स्पीड लेते थे अपन, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी, तो उससे एफ का फॉर्मूला क्या मिलता था आपको, वही मिलता था पी एन एस इंटू पी एन एस डिवाइडेड बाई 120। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे दे रखे है देखो। सो पी इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, पी मालूम है अपने को मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, एन आपका रोटेटिव स्पीड होता है रोटर का इन आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, देन एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड ईएमएफ इन हर्ट्ज, एफ आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी जनरेटेड ईएमएफ की हर्ट्ज में, देन हियर नंबर ऑफ साइकिल्स पर रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ साइकिल्स पर रिवोल्यूशन कितना ले सकते हैं अपन, पी बाय टू, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स पर रिवोल्यूशन कितना ले सकते हैं अपन, पी बाय टू, एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड यानी एन बाय 60, ठीक है, एन बाय 60, क्योंकि एन आपकी रिवोल्यूशन पर मिनट है और उसको सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय क्या करना होगा अपने को, 60 लेना होगा, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स पर रिवोल्यूशन कितने ये है, पी बाय टू, क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी कैसे अपन लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स पर रिवोल्यूशन इन टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो पी बाय टू इन टू एन एन बाय 60, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो पी एन डिवाइडेड बाय 120 मिलेगा, एफ इज इक्वल टू पी एन डिवाइडेड बाय 120। तो वहां पे फॉर्मूला क्या लेते थे अपन, एन इज इक्वल टू 120 एफ बाय पी, सेम फॉर्मूला डेरा किया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटर में उसका ये फॉर्मूला है अपना फाइनल फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू पी एन डिवाइडेड बाय 120। तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी कैसे प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नंबर ऑफ पोल्स, राइट, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है, यानी आपकी रोटर की स्पीड रहेगी वो, तो हियर एन इज दी सिंक्रोनस स्पीड, एन आपकी सिंक्रोनस स्पीड रहेगी, ठीक है, बिकॉज इट इज द स्पीड एट विच एन अल्टरनेटर मस्ट रन, यानी आपको सिंक्रोनस स्पीड ही लेनी है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे हम एन एस डिनोट करते थे, यहाँ पे हम एन से डिनोट किए हैं सिंक्रोनस स्पीड को, और क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटर भी क्या होता है आपको जो स्पीड से रोटेट होता है उसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, सो एन आपकी सिंक्रोनस स्पीड रहेगी इन ऑर्डर टू जनरेट एन ई एम एफ ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड ई एम एफ जनरेट करने के लिए यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला ये है अपना एफ इज इक्वल टू पी एन बाय 120, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल है, कभी कभी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, डिराइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अल्टरनेटर, तो आपको इतना ही फॉर्मूला डिराइव करना होगा, ठीक है। देख नेक्स्ट पॉइंट है अपना आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द अल्टरनेटर, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आर्मेचर आपने को मालूम है अल्टरनेटर में 2 वाइंडिंग होते हैं, एक होता है फील्ड वाइंडिंग दूसरा होता है आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग अपन रोटर पे प्लेस करते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग अपन स्टेटर पे प्लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आर्मेचर वाइंडिंग के कुछ जो टाइप्स है वो देख रहे हैं हमें, सो आर्मेचर वाइंडिंग इन एन अल्टरनेटर में भी आइदर क्लोज टाइप और ओपन टाइप, ठीक है। जो आर्मेचर वाइंडिंग है यहाँ पे अल्टरनेटर में, एक तो वो क्लोज टाइप रहेगी या फिर ओपन टाइप की रहेगी, तो क्लोज वाइंडिंग फॉर्म्स अ स्टार कनेक्शन, इसमें क्लोज वाइंडिंग जो होती है उससे हम स्टार कनेक्शन बना सकते हैं इन द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द अल्टरनेटर, ठीक। नाउ कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग आर, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज दिए हैं आर्मेचर वाइंडिंग के, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन आर्मेचर वाइंडिंग इज टू साइड्स ऑफ एनी कॉइल शुड बी अंडर टू एडजेसेंट पोल्स, जो दो कॉइल साइड्स रहेंगे आपके, दो साइड्स रहेंगे कौन से भी कॉइल के आपके, वो आपके दो एडजेसेंट पोल के बीच में रहने चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कॉइल स्पैन इक्वल टू आपका पोल पिच होना चाहिए। अभी कॉइल स्पैन क्या है, पोल पिच क्या है, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, अपकमिंग स्लाइड, ठीक है। देन ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो दो साइड है आपके कॉइल के वो दो एडजेसेंट पोल्स के बीच में होने चाहिए, यानी आपका कॉइल स्पैन इक्वल टू होना चाहिए पोल पिच से, ये पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है, समझ लो। या दोन कॉइल साइड्स आहे कॉइलच्या, त्या दोन ऍडजेसंट पोलच्या
मध्ये असायला पाहिजेत, म्हणजे कॉइल स्पॅन आणि पोल पिच आपला इक्वल असायला पाहिजे तिथला. नेक्स्ट आहे प्रॉपर्टी, द वाइंडिंग कॅन बी आयदर बी ए सिंगल लेअर और डबल लेअर. ही वाइंडिंग आपली एकतर सिंगल लेअर असेल किंवा डबल लेअर असेल. आता सिंगल लेअर वाइंडिंग, डबल लेअर वाइंडिंग काय असते पुढे पाहणारच आहे. ठीक आहे, ही सेकंड प्रॉपर्टी आहे. देन वाइंडिंग इज सो अरेंज्ड इन डिफरंट आर्मेचर स्लॉट्स दॅट इट मस्ट प्रोड्यूस साइनसॉइडल ईएमएफ. वाइंडिंग आपल्याला अशा प्रकारे अरेंज करायची असते तिथल्या आर्मेचर स्लॉट्समध्ये की जेणेकरून तिथं आपल्याला साइनसॉइडल ईएमएफ प्रोड्यूस करता आलं पाहिजे. ठीक आहे, वाइंडिंग ऐसे तरीके से अरेंज की होती है आर्मेचर स्लॉट्स में ताकि वहां पे साइनसॉइडल ईएमएफ प्रोड्यूस हो सके. ठीक है, तो यह है आर्मेचर वाइंडिंग. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, द थ्री फेज आर्मेचर कैरी थ्री सेट्स ऑफ वाइंडिंग अरेंज इन स्लॉट्स. ठीक है, यहाँ पे थ्री फेज आर्मेचर जो है, अल्टरनेटर जो है, उसमें तीन सेट होते हैं वाइंडिंग के और वो अरेंज किए होते हैं स्लॉट्स में. ठीक है, दैट इज ओपन सर्किट, सिक्स टर्मिनल्स. उसको कितने टर्मिनल्स रहेंगे आपके, सिक्स टर्मिनल्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तीन वाइंडिंग दिखाए, तीन सेट दिखाए वाइंडिंग के. ये एक वाइंडिंग है, ये दूसरी वाइंडिंग है और ये तीसरी वाइंडिंग. और इस कितने टर्मिनल्स है, एक वाइंडिंग को दो टर्मिनल्स है, एक दो, इसको दो टर्मिनल्स है, फिर से तीन चार, इसको भी दो टर्मिनल्स है, पांच और छह. ठीक है, असे सहा टर्मिनल्स इथं दाखवलेले. आणि ही जी थ्री फेज वाइंडिंग आहे ती आपण एकतर स्टार मध्ये कनेक्ट करू शकतो किंवा डेल्टा मध्ये. आर्मेचर वाइंडिंग जी आहे ती एकतर आपण स्टार मध्ये कनेक्ट करू शकतो किंवा डेल्टा मध्ये, कारण ती थ्री फेज वाइंडिंग असते. आता आर्मेचर वाइंडिंगला आपण क्लासिफाय केलेलं आहे, त्याचे तीन टाइप्स आहेत, सिंगल लेअर अँड डबल लेअर वाइंडिंग, फुल पिच अँड शॉर्ट पिच वाइंडिंग अँड कॉन्सन्ट्रेटेड अँड डिस्ट्रीब्युटेड वाइंडिंग. ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, और उसको एक्सप्लेन करो, ऐसा क्वेश्चन आता है आपको चार मार्क के लिए. ये आपको तीन टाइप्स लिखने आने चाहिए वहां. ठीक है, नाउ सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, वी विल सी जस्ट सम ऑफ द डेफिनेशंस रिलेटेड टू द आर्मेचर वाइंडिंग. ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे. फर्स्ट डेफिनेशन है कंडक्टर की. सो हाउ विल डिफाइन द कंडक्टर, वी नो दैट कंडक्टर इट इज द पार्ट ऑफ द वाइंडिंग, ये पार्ट होता है वाइंडिंग का, एंड द कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन द आर्मेचर स्लॉट्स. आपके कंडक्टर्स आर्मेचर स्लॉट्स में प्लेस किए होते हैं. हमने ऑलरेडी स्टेटर एंड रोटर का कंस्ट्रक्शन देखा है, अल्टरनेटर का भी. ठीक है, वो कंडक्टर्स कहाँ पे प्लेस किए होते हैं, आपके आर्मेचर स्लॉट्स में, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग द ईएमएफ. और वही आपके कंडक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहां का ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए. ठीक है, तो ये है आपका कंडक्टर. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, इट इज पार्ट ऑफ द वाइंडिंग एंड द कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन द आर्मेचर स्लॉट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग द ईएमएफ. और ये सारे जो कंडक्टर्स है आर्मेचर स्लॉट्स में, वो उन सारे कंडक्टर्स को हम जब एक दूसरे से इंटर कनेक्ट करते हैं तब आपकी बनती है आर्मेचर वाइंडिंग, जैसे हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी बोला है. ठीक है, सेम है. सेकंड है आपका टर्न, टर्न की डेफिनेशन. तो टर्न की डेफिनेशन ऐसी है कि व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टर प्लेस्ड इन वन स्लॉट टू अनदर कंडक्टर प्लेस्ड इन अ डिफरेंट स्लॉट. व्हेन वी कनेक्ट कंडक्टर प्लेस इन वन स्लॉट, जब हम कनेक्ट करते हैं एक कंडक्टर को जो कि एक स्लॉट में प्लेस किया होता है, वो कंडक्टर किसको कनेक्ट करना है दूसरे कंडक्टर को कनेक्ट करना है, लेकिन वो दूसरा कंडक्टर आपका डिफरेंट स्लॉट में प्लेस किया होना चाहिए. ठीक है, तो वहां पे क्या बनती है, आपकी एक टर्न फॉर्म हो जाती है, यानी दो कंडक्टर से आपकी एक टर्न बनती है. ठीक है, तो डेफिनेशन सुनो यहाँ पे क्या है. डेफिनेशन काय सांगितली मी, व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टर प्लेस्ड इन वन स्लॉट, जेव्हा एखादा कंडक्टर आपण एका स्लॉट मध्ये प्लेस केलेला असतो, तो कंडक्टर आपण दुसऱ्या कंडक्टरला जेव्हा कनेक्ट करतो, जो दुसरा कंडक्टर हा डिफरंट स्लॉट मध्ये प्लेस केलेला असतो, तेव्हा त्यापासून बनते आपली टर्न. आणि एक टर्न बनण्यासाठी किती कंडक्टर्स लागतात, मग दोन कंडक्टर. ठीक आहे, तर ही डेफिनेशन समजण्यासाठी आपण ही डायग्राम पाहू समोरची. तर देखो यहाँ पे ये दो स्लॉट्स आहे, ये एक स्लॉट है, ये स्लॉट नंबर टू है, और इसमें ये कंडक्टर प्लेस किया है. ठीक है, ये कंडक्टर है जो स्लॉट नंबर वन में है,
और ये कंडक्टर टू है जो स्लॉट नंबर टू में प्लेस किया है, और जब ये कंडक्टर इन वन स्लॉट इज कनेक्टेड टू दी सेकंड कंडक्टर विच इज प्लेस इन अनदर स्लॉट देन इट फॉर्म्स अ टर्न, तब ये बनती है आपकी टर्न। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन है आपकी, व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टर प्लेस इन वन स्लॉट टू अनदर कंडक्टर प्लेस इन अ डिफरेंट स्लॉट इट फॉर्म्स अ टर्न। तो कितने कंडक्टर्स लग रहे हैं यहाँ पे, दो, एक कंडक्टर और ये सेकंड कंडक्टर, क्लियर है। तो ये यहाँ पे एक ही टर्न दिखाई दे, तो इसको बोलते हैं सिंगल टर्न कॉइल, और यहाँ पे मेनी टर्न्स दिखाए हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं मल्टी टर्न कॉइल, क्लियर है। तो कॉइल यहाँ पे सिंगल टर्न एंड मल्टी टर्न में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। नाउ थर्ड डेफिनेशन है द कॉइल, कॉइल की डेफिनेशन है, तो ईच कॉइल हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, एक हर एक कॉइल में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे अभी उसमें, सो नंबर ऑफ टर्न्स आर ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म अ कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स को हम वहां पे ग्रुप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उससे क्या बनती है आपकी कॉइल बनती है। ठीक है, एक हर एक कॉइल में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और वो सारे नंबर ऑफ टर्न्स को जब हम ग्रुप टुगेदर करते हैं तब आपकी बनती है कॉइल, एंड कॉइल में भी अ सिंगल टर्न और अ मल्टी टर्न कॉइल। तो यहाँ पे भी दिखाया है आपको कि ये आपकी सिंगल टर्न कॉइल रहेगी, ये कॉइल हो बन गई अभी, ठीक है, ये सिंगल टर्न है तो इसमें ये सिंगल टर्न कॉइल बन गई और ये मल्टी टर्न कॉइल बन गई, ठीक है, क्योंकि इसमें मेनी टर्न्स है, समझ में। और ये जो है आपकी, ये स्लॉट है आपका, ये कंडक्टर है, ठीक है, अभी ये जो रहेगी आपकी ये कॉइल साइड रहेगी, तो ये कॉइल साइड वन है, ये कॉइल साइड टू है, और ये सारे टर्न्स को हमने ग्रुप टुगेदर किया तब बनती है आपकी ये कॉइल, समझ में। सारे टर्न्स को यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स दिखाए हैं, तो वो टर्न्स को जब हम ग्रुप टुगेदर करते हैं तब बनती है आपकी कॉइल। तो यहाँ पे सिंगल टर्न मल्टी टर्न कॉइल के ये डायग्राम दिखाए हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी डायग्राम दिखाए हैं, वो सिंगल टर्न है मल्टी टर्न कॉइल, क्लियर है, समझ में। तो ये तीन डेफिनेशन हमने आज के लेक्चर में देखे, और कुछ डेफिनेशन है तो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं अभी, we'll stop here and we will meet in the next lecture. So thank you for watching this video again, right? Thank you very much.